So sometimes we spend most of our lives as a victim. Okay? We don't realize the potential that we have within ourselves. And the events that are happening to us, we always say this question to ourselves, okay? Why me? Why this is happening to me? Main kyun? Kaash kisi, ye jo kaash wali mentality hai na, aap kya se badi bolenge, yaar kaash mere baap ke bete hote, yaar kaash fauji ke bete hote, yaar kaash aise hote, yaar kaash kahin hamare bhi abav istad mein plot chhode hote. This is a victim mentality. Where we say, why this is happening to me? So, aapne sirf ek chota sa kaam karna hai. And that was a very, very mind shifting for me, ki aapne is jo two hai, इसको चेंज करना है फॉर मी. व्हाई इज दिस हैपनिंग फॉर मी? आप एग्री करेंगे कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई बुरा वक्त आता है, सीमिंगली बुरा वक्त, हमें कुछ सालों के बाद जब हम मुड़ के देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है वो जो बुरा था वो बुरा नहीं था, वो तो मेरे ही भले के लिए था. मेरी जिंदगी में बहुत इवेंट्स आए जब मैंने सोचा कि प्रॉब्ली दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू मी. एंड आफ्टर 4-5 years I looked back and I said, thank God it happened. So, कभी कभी जो चीजें हमें बुरी लग रही होती हैं, वही हमारे लिए बेहतरी के रास्ते खोल रही होती हैं. और हमारी इंटेलेक्ट इतनी नहीं होती कि हम देख सकें उसे उस टाइम पे. हमारा जो शऊर है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है, हमें लग रहा होता है ये बुरा है. लेकिन 5 साल बाद जब शऊर उस सतह पे आता है कि हम उसे समझ सकते हैं कि हुआ क्या था, क्योंकि फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स. अच्छा, तो वो मैं इसलिए वहां से निकला था क्योंकि मुझे यहां पे जाना था और मुझे यहां पे जॉब मिलनी थी, इसलिए मुझे वहां से फायर होना पड़ा. या मेरा स्टार्टअप इसलिए नहीं चला था क्योंकि आज मैंने यहां पे खड़ा होना था. मैं इसलिए उस कैरियर को परसू नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आज इधर होना था. आफ्टर 4-5 years when our शऊर गेट्स मैच्योर, जब हमारी जहानत थोड़ी मैच्योर हो जाती है, तब हमें समझ आती है कि इट वॉज फॉर बेटर. एंड I hope we all are Muslims sitting here, and even if you are from the other religion, if you believe in God, to Allah Taala, jo hai, he's an amazing divine power. If you understand him, he says that I love you more than 70 mothers. और ये बड़े मजे की statement है. Allah Taala कहते हैं कि बड़े मजे की statement है कि मैं आरज़ू करता हूँ कि मेरा बंदा मेरी आरज़ू करे. Imagine how beautiful this statement is. मैं आरज़ू करता हूँ कि मेरा बंदा मेरी आरज़ू करे. Wow. So he who loves you so much, अब ये हमें क्यों इतना डराया हुआ है अल्लाह ताला से? He is the most loving divine power in our life. तो हमारे पास अगर we are true believers, तो why would ever we feel कि this is happening to me? मेरे साथ जाती हो रही है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास resources नहीं है, मेरे पास फलां चीज नहीं है, मेरी फैमिली के मसले हैं. सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल थिंग्स. यू सी कि नो, एवरीथिंग इज इन माय फेवर, एवरीथिंग इज इन माय फेवर. आई नीड टू डू समथिंग. एंड बिलीव यू मी, एक कुदरत का कानून भी है कि जो सही तरह से जिसको मांगना आता है ना उसको मिलता भी है. इफ यू, अगर आप कुदरत के दरवाजे पे गए और आपने दस्तक दी है, नॉक किया है, ठक 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 ठक, दरवाजा किसी ने खोला नहीं है, आपने फिर दोबारा नॉक किया, ठक 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 ठक, फिर किसी ने नहीं खोला और आप गिव अप करके बैठ गए हैं, विक्टिम बन गए हैं, यू से कि ओ माय गॉड मेरी कोई सुनता ही है, वो खुदा के थे तू यार, यू नो, यू स्टार्ट कंप्लेनिंग एंड यू ब्लेमिंग एंड यू स्टार्ट वाइनिंग. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर इंडिविजुअल हु नॉक्स एट द डोर ऑफ यूनिवर्स, नॉक नॉक नॉक, नो रिस्पॉन्स. ही अगेन नॉक्स, नॉक नॉक नॉक, नो रिस्पॉन्स. ही कीप्स ऑन नॉकिंग, कीप्स ऑन नॉकिंग, इवन हिज हैंड्स आर हर्टिंग. Even the blood started coming out of his hands. He is still knocking with the belief that there is something behind this door which is beneficial for me. And Allah Taala bhi kehta hai, yaar itna details se darwaza khol do, you know, open this door for him, and you will get all those things.